मौलाना अहमद लाड साहब से, मौलाना इब्राहिम साहब से आपके ऐसे जाती ताल्लुकात है करीबी? मेरे जितने हमारे अकाबिर हैं देवबंद, सबसे मेरे ताल्लुक है। मेरे तो मुफ्ती तक्की उस्मानी साहब से भी ताल्लुकात है, रूहानी तौर पर हम जुड़े हुए हैं। और तुम तो जानते हो हमारे इल्म सीना दर सीना है, सीना दर सीना, गैर मुकल्लिदों की तरह किताब दर किताब नहीं है हमारे पास। तो मौलाना इब्राहिम साहब से और मौलाना अहमद लाड साहब से जाती ताल्लुक है क्या आपका? अरे भाई है, तुम उससे क्या सवाल मतलब, करो ना आगे, तो बस समझ। मतलब आप ऐसी कोई बात जाकर उनसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं या कोई वास्ते से जाना पड़ता है आपका? मतलब कैसा? नहीं नहीं डायरेक्ट पूछ सकता है इंशाल्लाह, बोलो ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैं आपके सामने दावती इस्लाही नशिस्त के सिलसिले में जो बात पेश कर रहा हूँ और आप समाप्त फरमा रहे हैं, आप हजरात का शुक्रिया। आज मैं आपके सामने एक अहम गुफ्तगु लेकर आया हूँ। यूसुफ आपी और हकीम टांडा जो शोरायत के नाम पर और शोरायत और देवबंद का सहारा लेकर उम्मत के अंदर उलमा हजरात के ख़िलाफ़ में जो ज़ुबान दराजी और गंदी बातें पेश कर रहे हैं, वो काबिले रश्क हैं और काबिले फ़िक्र हैं। इनका मकसद उम्मत को उलमा के ख़िलाफ़ करना है, लेकिन सहारा देवबंद का ले रहे हैं, क्योंकि हर छोटा अपनी बात को चलाने के लिए बड़े का सहारा लेता है। यूसुफ वापी यहूदियों का एजेंट है जो अवामुन नास को उलमा से बेजार कर रहा है। देखिए, इसी सिलसिले में उसने महमूद मदनी साहब दामत बरकातहुमुल आलिया को कौम का गद्दार कहा। कौन महमूद मदनी? जिनकी नस्ल को और जिनकी ख़ानदान की खिदमत को कयामत तक के हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा भुला नहीं सकता। हिंदुस्तान की नस्ल पर महमूद मदनी और उनकी ख़ानदान का असर है और ख़ानदान का एहसान अजीम है जो भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन उनके ख़ानदान के लिए यूसुफ पापी क्या कह रहा है, आप बगौर समाज फरमाएं। रातों रात कहां से बारिश हुई इनके ऊपर पैसों की? तो इन्होंने उम्मत के अंदर तफरका डाला है और बहुत बड़ा, मैं कहने से गुरेज नहीं करूंगा, आप समझ रहे हैं। अभी आपका जवाब आपको ही बताता हूँ, बताइए, हिंदुस्तान में एक भी आदमी ऐसा है जो ये कहे कि एनआरसी नहीं होनी, एनआरसी होनी चाहिए और सीए होना चाहिए? एक भी मुसलमान ऐसा है भाई? बताइए बशीर भाई, ईमानदारी से, ये आपने पूरी उम्मत की ये जज्बात है भाई, है कि नहीं है? और ना कोई कहे होना चाहिए तो नहीं, बल कौन का गद्दार है भाई? गद्दार है ना, कौन सा लगे, लेकिन नाम लूंगा तो फौरन आप भी बदल जाएंगे। महमूद बंदनी कहता होना चाहिए, महमूद बंदनी इंटरव्यू में देख कहता होना चाहिए। आपने सुना कि ये यूसुफ वापी किस तरीके से गंदी जुबान और गंदे अल्फाज और नाशाइस्ता अल्फाज उलमाए देवबंद और उलमाए हक्कानी और रब्बानीन के लिए इस्तेमाल कर रहा है। महमूद मदनी साहब के एहसानात और उनके ख़ानदान के एहसानात हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे के ऊपर है, लेकिन वो मौलाना महमूद मदनी को कौम का गद्दार कह रहा है। क्या ये ऐसे अल्फाज कहना किसी ऐसी शख्सियत के लिए ये जेबा देता है? हम शख्सियत परस्त नहीं हैं, लेकिन ये भी नहीं है कि हम लोगों को और उनकी इज्जतों को उछाले। ऐसी कौन सी ताकत है यूसुफ पापी के पीछे कि जो बड़े बड़े उलमा को और बड़े बड़े अल्लाह वालों के लिए गंदी जुबान इस्तेमाल कर रहा है और उलमा को, उलमा की शख्सियत को मजरू कर रहा है? इसके पीछे एक ताकत है, वो यहूदियों की है, यहूदियों का एजेंट है। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि आप हजरात जो उलमाए रब्बानीन हैं और उलमाए देवबंद और मादरे इल्मे देवबंद से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इस फितनाए अजीमा के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को बुलंद करें। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।